आलु पाई आलुआ होगलेनि कि मंत्री मंत्री कथार रहुना बास्तवता मंत्री कृष्ण पात्र जो प्रतिक्रिया देउछंती ताहा बास्तव में परिणत होना दिनकू दिन आलुर अभाव देखा मिलूँ ओडिशा रे पश्चिमबंग सरकार आलु बंद करने उत्तर प्रदेश आलु आणवे दृढ़ोक्ति प्रकाश करते मंत्री कृष्ण पात्र आ उत्तर प्रदेश आलु जितेबले ओडिशार अभाव को पूरण नक मंत्री कही पंजाब रु आलु आसव ता सफल होना एपटे किंतु खाउटी माने नाही नथिबा हैरान रे सम्मुखीन होउछंती आलु एक एमिती परिबा जहाँ प्रत्येक तरकार रे पड़ी थाए एवं एहा निहाती भाबे एक नित्य व्यवहार्य खाद्य सामग्री किंतु आलुर अभाव वर्तमान पई सीधा सळक गरीबर हांडीसळ उपरे माड़ करिछि जहाँ गरीबटिए मध्य हैरान होउछि मंत्री को कथा रे मध्य वास्तवता रहुनी आसंतु देखिबा पूरा रिपोर्ट। राज्यर विभिन्न बड़ बड़ हाट में गत दुई दिन तले आलु किलो पिछा 35-40 टंका बिक्री होता लोक माने 2.5 किलो को 100 टंका दे बि किणुले गत काली हटात दर बढ़ी किलो पिछा 60-65 टंका पहुंची गोटे दिन में 20-25 टंका वृद्धि पाई दर एमती आग को आहरी दर बढ़ खुचरा व्यवसायी मैंने कहते कारण गोदाम एपर्तंत पर्याप्त परिमाण में आलु गच्छित ना जेतिक अच्छी ताहा चढ़ा दर में बिक्री होछी अन्य पक्षे पश्चिमबंगु आलु गाड़ी आसी पारुनी जो 4-5 गाड़ी आसुची मोटा अंकर लांच दे आनिबाकु पड़ुछी या प्रत्यक्ष भावे पाइकारी और खुचरा बजार को प्रभावित करुछी उत्तर प्रदेश आलु को खाउटी नापसंद करुछंती फल बड़ बड़ व्यवसायी उत्तर प्रदेश आलु मगाइले भी खुचरा बेपारी नेउनाहंती तेणु गोदाम पड़ी नष्ट फल व्यवसायी क्षति सहुछंती। गत 20 दिन धरी राज्य में आलु संकट उपजिलाणी हेले सरकार एने कौनसी ठोस पदक्षेप देउनाहंती मंत्री जहाँ कहते कार्यकारी करिपारुनाहंती तेणु बास्तवता ठारु दूर रे सरकार रहुथुबा व्यवसायी माने सीधासळख अभियोग करिछंती प्रत्येक परिवार पाई आलु एक नित्य व्यवहार्य खाद्य सामग्री होइतबा बळे सरकार के एभली आभिमुख्य को साधारण घोर निंदा करा जाउछि। मंत्री उत्तर प्रदेश पंजाब रु आलु आणिबा कथा गणमाध्यम को कहते हैं वास्तव में किंतु सरकारी स्तर में किसी आखिदृशिया काम करना तृणमूल स्तर में साधारण खाउटी हैरान होता बेले मंत्री कथा को जनसाधारण आउ ग्रहण करने स्थित नहांती पश्चिमबंग सरकार आलु गाड़ी छाड़ू नथिबा बेले सरकार उत्तर प्रदेश रु आलु आणिबा कहिले हेले पश्चिमबंग रु मात्र 12 घंटे आलु आसी पहुंच जाउथिबा बेले उत्तर प्रदेश रु आसीबा को 5 दिन समय लागुछि पुनी रास्तारे विभिन्न समस्या हेबो कारण विलंब भी हेबो तेणु आवश्यक मुताबक उत्तर प्रदेश रु आलु गाड़ी आसी परुनु बोली व्यवसायी अभियोग करछंती गाड़ी न आसीबा सीधा प्रभाव बजार उपरे पडुछि गत 3 दिन हेला पर्याप्त परिमाणे गाड़ी आसी परुनि प्रतिदिन कटक भुवनेश्वर 300 ट्रक आवश्यकता थिबा बेले आसुछि मात्र 7-8 टी गाड़ी आलु गाड़ी पहुंचि नथिबारु कटक ओ भुवनेश्वर थिबा आलु गोदाम खाली होइ जाइछि तेणु केउठी 50 तो केउठी 60 रे बिक्री होछि। राज्य व्यवसाय महासंघर महासचिव सुधाकर पंडा कहिछंती मात्र 4-5 टी गाड़ी आज आईगणिया आसी बजार दैनिक चाहिदा मुताबक आलु गोदाम जी अच्छी मात्र 3-4 दिन में बजार चाहिदा भरणा कर आलु गाड़ी आसवा स्वाभाविक होगा पूर्व आहरी 7 दिन भी लग जाए कारण आलु प्रथम शीतल भंडारू बाहर सुखा हेब बछा हेब पैकिंग हेब यह निमंत समय लगे यापर लोडिंग ओडिशा रे पहुंचा को आहरी 5 दिन लगे तेणु यह लोकों आवश्यकता को किपरि पूरण बड़ चैलेंज तेरे उत्तर प्रदेश आसुवा आलु जो व्यवसायी को बहु क्षति सहवाक पड़ू या खाउटी ग्रहण करूना एवाद ना कहते तेणु बिक्री नई पची जाऊद गत अगाली 300 गाड़ी पश्चिमबंग सीमार पहुंची भी ता अतिक्रम कर फलर ता फेरी जाए से श्री पंडा आहरी कहते ओडिशा शीतल भंडार प्राय 15,000 टन आलु महजूद रही ताकु मात्र 3 दिन रे आवश्यकता मेटा जाई परिबो आमे आज मंत्री सह आलोचना करथिलु उत्तर प्रदेश आलुरु आनिबा पाई मंत्री कहुतबा बळे व्यवसायी किंतु ग्रहण करि पारु नाहंती अपरपक्षे जुगाण मंत्री कृष्ण पात्र गतकाली संध्या रे गणमाध्यम प्रतिक्रिया दे कहिथिले पश्चिमबंग ब्लैकमेल करिबारु उत्तर प्रदेश आलु अना जाइछि राज्य रे आलु मौजूद अछि जहाँ भी समस्या उपजिबो ताकु खूब शीघ्र समाधान करा जिवो हठात आलु दाम बढ़िबा खबर सुनि साधारण खाउटी मुंडरे चड़क पड़ुछि। एमिति खबर पाई एबे ही चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ किछि अधिक खबर पाई संपर्क ओडिया चैनल को फॉलो करू थांतु।